पूछो कौन, जिसने पढ़ाई ना हो, जिसने एलएलबी के सिद्धांतों को फॉलो किया है, आज एग्जाम का कल मेरे लेकर आया है। ये तो सर, और मांगो क्या चाहिए आपको? कौन इतना भी सच नहीं बोलना था, वो लोग 20 क्वेश्चन वाला सीरीज लाते हैं, इतना भी सच नहीं बोलना था, बाबेल टाइप। इस बात का आप सभी से कोई कनेक्शन नहीं है, आप में से कोई ऐसा है ही नहीं, बाबेल टाइप। आप में से किसी का एग्जाम देने जाते थे, जिस दिन पेपर आता था उसी दिन उसकी और सीरीज लेकर के आते थे। अच्छा तुम्हारे पास रात को 12 बजे जो गेट की सवाल भी आते होंगे? यस सर। कॉलेज से पहले चलता है ना कॉलेज के बाद में चलता है, एक बात और ऐड कर दो। यस सर। किसमें सर वो 20 क्वेश्चन वाले वो नंबर उससे ज्यादा? अब यार तुम मेरे को बोलोगे कि सर 10 रुपए लो, ये मेरी 25 पेज की कॉपी चेक करो, तुम्हें तुम्हें लगता है तुम्हारे 10 रुपए के अंदर 25 पेज की कॉपी सिद्धत के साथ चेक करूंगा? आप समझो, देखो जिम्मेदार है ना, आज आपसे मन की बात कहना चाहता हूँ, कह दूं? मेरा मानना है कोचिंग सिस्टम बंद होना चाहिए। यस सर। मुझे पता है मैं मेरे पेट पे लात मारता हूँ, आई नो दैट, बट हकीकत मेरे दिल की इच्छा ये है कि कोचिंग सिस्टम बंद होना चाहिए, लेकिन ये कोचिंग सिस्टम तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक कॉलेज वाले नहीं सुधरते, और इस जन्म में तो कॉलेज वाले सुधरने हुए दिख नहीं रहे, हकीकत ये बनी है। आज मैं आपको एक अंदर की बात और शेयर करता हूँ, ये बात यूट्यूब पे काट दी जाएगी। कई बार फोन आता है कि सर आप जुडिशरी के, अभी पता है आप सब लोगों का प्यार और स्नेह है कि इंडिया के अंदर प्योर जुडिशरी की ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ अपना चैनल नंबर वन चल रहा है। आपने देखा होगा कि लिंक्डइन लॉग का कहीं पर भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, हमारे चैनल पर लोग आते हैं और हम उनको आने भी देते हैं, लेकिन अपना कहीं पे भी कोई पेड़ नहीं चला। इसको आज के लेवल पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाता है। तो अब क्या होता है, कई बार है ना कुछ कॉलेज वाले जो होते हैं, यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि सर अपने ये कोर्सेज हैं 35% आपका, आपको खाली कोई भी कैंडिडेट्स का कॉल, क्योंकि कैंडिडेट्स कॉल को आते हैं। आज कोई बच्चा अपनी वीडियो देख रहा था, आपको क्या लगता है वो क्वेरी नहीं पूछेगा अपने से कि सर मेरे को एलएलएम करना है, मैं कहाँ से करूँ, या पीएचडी का मामला है, या कई बार एलएलबी के लिए पूछते हैं, कई बार पेरेंट्स से कॉल आते हैं, डेली दिन में 10 से 15 कैंडिडेट से तो जाने जाने बात हो जाती है, तो वो कहते हैं खाली आपको रेफर करना है सर, रेफर करना है, कॉलेज की फीस का 35% आपको दे देंगे, वो भी कैश के। ये मैं आपको पर्दे के पीछे की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि ये बात सुनने के बाद मेरे को नेक्स्ट टाइम ऑफर देखेंगे देंगे, लेकिन नहीं पसंद ये चीज, मैं अपनी जिंदगी में नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि भाई अपने, क्योंकि देखो आज वो बंदा तंसु पालीवाल का रेफरेंस देख, मान लीजिए कि उसने प्यार स्नेह के कारण बात मान ली, चला गया वो, लेकिन कल वो कोसेगा तो इसको जवाब देंगे अपन, है ना? अभी उड़ीसा का हादसा हुआ। यस सर। मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा हादसा देखा, सच बता रहा हूँ। 2008 में एक तो मेहरानगढ़ दुखांती का हुई थी, शायद आप लोगों को पता हो, उस समय धक्का मुक्की के अंदर खड़े खड़े जो है लोगों ने अपनी सांस छोड़ दी थी, खड़े खड़े लाशें खड़ी थी उस केस के अंदर, मेहरानगढ़ दुखांती का, सब लोग आपस में इस तरीके से, क्योंकि पहाड़ी का चढ़ाई का मामला था, थोड़ी सी धक्की हुई, वो एकदम नैरो टाइप का जो गली बना हुआ था, तो एक तो उस समय जो है इंसानों की जान धक्की देखी थी, और एक कल वाला कल परसों उड़ीसा का हुआ सर, बहुत मतलब इससे बदतर कोई चीज हो नहीं सकती। ये सबूत होता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी है ना वो नश्वर है। वाला कुछ वीडियो अपने एक स्टूडेंट है जो वहां पर हुआ, वो कह रहा था 3-4 स्टूडेंट एनजीओ के अंदर वहां पे काम कर रहा है अभी भी, तो बोला कि सर एक केस हमारे साथ ऐसा हुआ, प्रदीप नाम है उनका एनजीओ के साथ में, तो कि सर हम बॉडी को खींच रहे, बॉडी धड़ के साथ हाथ में आ गई, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा दबाव पड़ा था उसके ऊपर। ये इतना ये चीज है ना, हमको ये भी सिखाती है कि यार थोड़ा सा ना इंसान किसी भी के साथ गलत मत करो, पता नहीं कौन सा खेल कब खेलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लापरवाही हो, तो लापरवाही तो था ही वहां पे, बहुत कुछ था, लापरवाही भी होगी, अब काफी कुछ फॉर्मेलिटियां भी होगी, है ना, संवेदनाएं भी जताएंगे, सब एमएलए एमपी भी वहां जाएंगे,
लेकिन जिनके घर से जो गया ना उनकी बात हालात तो बड़ी खराब है ना, लाशों को अपन कैसे बोरिया कैसे फेंकते, वैसे वैसे फेंक रहे थे, लाशें हटा रहे थे, संख्या ज्यादा दिखनी नहीं चाहिए, 300 दिखा रहे हैं, तो 700 हो चुका है अपना पार उड़ीसे के अंदर। तो है ना, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप लोग अगर जज भी बन जाओ ना, इस कमाई में मत जाना। मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना कहते हैं ना कि खोटी कमाई हमेशा खोटे में जाती है। आप लोग कल जब जज भी बन जाओ ना, तो आपके पास भी कई सारे ऑफर आने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक नंबर के साथ दो नंबर की कमाई बहुत आसान हो चुका है। अगर उस केस में जाना है तो इस तरह की घटनाओं के बारे में जरूर सोच लेना, क्योंकि कहीं कहीं जो है गलत चीज गलत जगह पे जाता ही जाता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए आपको मैं स्मगलिंग के बारे में बता दूं, चलता हूं कुछ जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए।